हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकलिफ्ट में, हाइड्रा में, जेसीबी में, कहीं पे भी आपको हाइड्रोलिक सर्किट रहता है, हाइड्रोलिक पाइप का जो कनेक्शन रहता है वो कहां से कहां, कैसे कैसे और क्यों जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हाइड्रोलिक सर्किट का, शुरुआत जो होता है हाइड्रोलिक पंप से होता है। हाइड्रोलिक पंप से शुरू होकर जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिक पंप से भी पहले छोटा सा शुरुआत होता है हाइड्रोलिक टैंक से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक टैंक से। सबको ही मानिए हाइड्रोलिक टैंक है, ये हाइड्रोलिक मोटर है, ये हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक टैंक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होता है। अब देखिए एक हाइड्रोलिक पंप से लेके सॉरी हाइड्रोलिक टैंक से लेके एक हाइड्रोलिक टैंक से लेके हाइड्रोलिक पंप में पाइप जाएगा, एक वो पाइप, इसको बोलते हैं सक्शन पाइप। ये वाला जो पाइप है सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप। ये पाइप बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता है, इसमें जो सक्शन में जो ताकत लगती है बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा नहीं लगती, वो सिर्फ उसके लिए। इसमें बहुत ज़्यादा ये हैवी पाइप नहीं होता, समझिए एक तरह का रबड़ पाइप रहेगा बस और कुछ नहीं। ठीक है, और ये जो चीज़ है, दूसरा जो चीज़ें बताएंगे, ये आपको इसमें रहेगा, आपको अंदर सक्शन फिल्टर लगा हो, इसके नीचे फिल्टर लगा रहता है, इसको बोलते हैं सक्शन फिल्टर, सक्शन फिल्टर। यहां पे भी एक फिल्टर लगा रहता है, यह हुआ रिटर्न फिल्टर, रिटर्न फिल्टर। ये बताएंगे कब से कहां से कैसे आएंगे। इसके बाद एक कंट्रोल वाल्व बनाते हैं, ये मान लेते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये क्या लिखा, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व है, ये हाइड्रोलिक मोटर है, ये हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक टैंक है, ऐसे ये सक्शन पाइप है, ये सक्शन फिल्टर है, ये वाला रिटर्न फिल्टर है। अब हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व बनाते हैं, एक स्टीयरिंग यूनिट बनाते हैं जो हाइड्रोलिक से यदि चलता है उन गाड़ी में, तो मान लेते हैं स्टीयरिंग यूनिट ये है। ठीक है, ये कंडीशन लगेगा कब, जब सिंगल हाइड्रोलिक पंप से स्टीयरिंग और कंट्रोल वाल्व दोनों ऑपरेट होता है। दोस्तों मैंने ये लिखा हाइड्रोलिक कनेक्शन जो ये अप्लीकेबल है वो सिंगल हाइड्रोलिक पंप और सिंगल हाइड्रोलिक मोटर जिन गाड़ियों में यूज हुआ उसके लिए, जिसमें डबल ट्रिपल यूज हुआ उसके लिए कनेक्शन अलग होगा। तो ये सिंगल हाइड्रोलिक मोटर और सिंगल हाइड्रोलिक पंप है, तो ये वाला कनेक्शन उसके लिए अप्लीकेबल है, दूसरी के लिए अलग अप्लीकेबल होगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसके हाइड्रोलिक पंप से एक आउटपुट निकला, ये प्रेशर पाइप आएगा, ये प्रेशर पाइप यदि इसमें ये जो चीज है ये सीधा चला जाएगा स्टीयरिंग ऑर्बिटर में। ठीक है, स्टीयरिंग यूनिट ये हो गया, ये जो होता है हाई प्रेशर पाइप होता है, एचपी होज मतलब हाई प्रेशर होज, बहुत हाई प्रेशर रहेगा ये। ठीक है, ये एसयू इसमें जो जाएगा स्टीयरिंग यूनिट के टी पे जाएगा, नहीं पी पे जाएगा, स्टीयरिंग यूनिट के पी पॉइंट पे जाएगा, इसमें लिखा रहेगा पी, स्टीयरिंग यूनिट के पी पॉइंट पे जाएगा, और एक स्टीयरिंग यूनिट के टी, यहाँ पे टी लिखा रहेगा, टी पॉइंट से आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व में चला जाएगा, यहाँ पे भी पी लिखा रहेगा, स्टीयरिंग यूनिट के टी से हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व के पी पॉइंट पे आएगा एक सप्लाई। अब ये जो हो गया, इतना कनेक्शन हो गया, अब स्टीयरिंग यूनिट का जो रिटर्न है वो आएगा आपको यहां से, स्टीयरिंग यूनिट का जो रिटर्न है यहां से आएगा। देखिए ये स्टीयरिंग यूनिट से दो पाइप और निकलते हैं, एक में एल लिखा रहेगा, एक में आर लिखा रहेगा,
ये दोनों जाता है स्टीयरिंग सिलेंडर में। एक पॉइंट एक लेफ्ट में आएगा, एक राइट में आएगा, साइमल्टेनियसली समझे, ठीक है। ये हो गया स्टीयरिंग यूनिट का कनेक्शन। उसके बाद इसमें एक रिटर्न रहेगा, इसका रिटर्न यूनिट का, स्टीयरिंग यूनिट का रिटर्न, वो रिटर्न जो रहेगा आपको एक और पाइप जो रहेगा ये रिटर्न में चला जाएगा। ये चला गया रिटर्न में, रिटर्न रिटर्न में ज्यादा प्रेशर नहीं होता, फिर भी हाई प्रेशर होज लगा रहता है। ये सब बता रहा हूँ, इसमें सब में हाई प्रेशर होज लग रहे हैं आपके गाड़ी के अकॉर्डिंग, 3x8, 3x4, 1x4, 1x8, 5x8, ये सारी कोई भी होज हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में रिक्वायरमेंट क्या है। ये हो गया इतने का रिटर्न। एक और रिटर्न होता है, ये सपोज मैंने यहाँ पे एक टी लगा दिया, इसी को रिटर्न कर दिया, ये मान लिया टी कनेक्शन है। एक और रिटर्न कंट्रोल वाल्व के टी से होता है, इतना समझ गया। इतने के बाद सिर्फ कंट्रोल वाल्व का आउटपुट कहाँ कहाँ जाएगा उतना ही दिखता है। इसका इनपुट मिल गया, इसका रिटर्न मिल गया, स्टीयरिंग यूनिट का रिटर्न मिल गया, स्टीयरिंग यूनिट से कंट्रोल वाल्व में जो पाइप आएगा वो पॉइंट मिल गया। दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्टीयरिंग यूनिट से आपको जो पंप में जो आएगा कनेक्शन वो टी से नहीं आएगा, टी तो रिटर्न के लिए होता है, ये ई एफ से आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा ई एफ टी, ये बोला रहेगा टी जब भी रहेगा रिटर्न के लिए रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ई एफ से आएगा। ये कंट्रोल वाल्व से कितना फंक्शन ऑपरेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या गाड़ी में क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे तो ध्यान दीजिएगा, एक हुआ लिफ्टिंग अप डाउन, दूसरा हुआ टिल्टिंग अंदर बाहर, तीसरा हुआ साइड शिफ्टर, लेफ्ट राइट उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके बाद चौथा हुआ अटैचमेंट, तो कितने हुए चार। तो इसमें चार स्पूल होंगे, जितने फंक्शन होंगे उतने स्पूल गिने जाते हैं। स्पूल का मतलब जितने इसमें वो लगाते हैं डांडी या सोलेनोइड वाल्व, वो ये मान लेते हैं ये फोर स्पूल कंट्रोल वाल्व है, मान लेते हैं ये फोर स्पूल हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व है। तो फोर स्पूल हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व में जो आउटपुट होगा, मान लेते हैं ये लिफ्ट सिलेंडर है, ये ऐसा करने के मतलब ये पाइप ऐसा घुमा हुआ नहीं, ये पाइप क्या है इसको जंप किया है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ऐसा ऐसा करने के मतलब वो समझिए घुमा हुआ नहीं रहेगा, सीधा ही पाइप रहेगा। ये हुआ, ठीक है। तो लिफ्ट सिलेंडर में एक ही कनेक्शन रहता है सिर्फ अप करने के लिए, डाउन करने के लिए इसके प्रेशर से अपने आप वो रिटर्न चला जाता है इसमें। तो ये प्रेशर के टाइम वायल सप्लाई देगा और जब प्रेशर छोड़ेगा तो रिटर्न ले देगा इसी पाइप से। तो फोर स्पूल का मतलब 4×2−1 इतना ही इसका आपको रहेगा इसका कनेक्शन आउटपुट। 4×2−1=7 होता है, 7 आउटपुट, क्योंकि इसमें लिफ्ट सिलेंडर में अप डाउन करने वाले सिलेंडर में सिर्फ एक ही आउटपुट एक ही पाइप रहता है, उसके बाद बाकी सभी में दो दो लगेंगे। तो इसको ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि अभी चला जा रहा है टिल्टिंग के लिए, ये दोनों पाइप टिल्टिंग का है, इसको क्या करते हैं यहां से यहां एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है और यहां से यहां एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद ये जो पाइप है एक पाइप इसमें लग जाएगा और एक पाइप इसमें लग जाएगा जाके, समझे। ये टिल्टिंग फंक्शन हो, ये लिफ्ट सिलेंडर का आने वाला सेंटर सिलेंडर भी हो सकता है, साइड सिलेंडर भी हो सकता है, सबके लिए यही कनेक्शन लगेगा, यही कनेक्शन से उसमें जोड़ के दे दिया जाएगा, यही कनेक्शन से उसमें जोड़ के दे दिया, एक्स्ट्रा इसमें पाइप नहीं आएंगे। ये टिल्ट सिलेंडर में ये दोनों जो पाइप है बस ऐसे ही लगेंगे, इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं लगेगा। इसके बाद जो आता है नंबर वो आता है साइड शिफ्टर का। तो साइड शिफ्टर में भी आपको दो पाइप लगे होते हैं, साइड शिफ्टर सेम स्टीयरिंग सिलेंडर जैसा सिलेंडर रहता है, तो हम लोग वही बना लेते हैं। ये हुआ साइड शिफ्टर SHIFT, ये इतना हो गया। अब चौथा अटैचमेंट देखिएगा, मैं गिनवा दूंगा स्पूल कैसे कैसे काउंट होगा। एक और चौथा अटैच, चौथा जो पॉइंट हमने चार स्पूल के लिए किया, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चौथा पॉइंट जो आएगा वो किसी भी अटैचमेंट के लिए आ सकता है,
अदर अटैचमेंट छोड़ देते हैं, आप कुछ भी अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं। ये वाला जो आएगा अदर अटैचमेंट, ठीक है। चौथा है, अब देखिए कैसे कैसे हमने स्पूल गिना। ये हुआ एक स्पूल, ये दोनों मिला के हुआ दूसरा स्पूल, ये दोनों मिला के हुआ तीसरा स्पूल, ये दोनों मिला के हुआ चौथा स्पूल। ऐसा ये इतना कनेक्शन रहता है सिंपल हाइड्रोलिक कनेक्शन में, सिंपल हाइड्रोलिक फंक्शन में, बस इतने में सारी गाड़ी ऑपरेट होती रहती है। ये फोर स्पूल कंट्रोल वाल्व, कभी हम लोग अलग से कंट्रोल वाल्व पे बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, समझ गए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि यदि आधा बताएं तो आधा अगले वीडियो में कवर करने जाए ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं तो बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों वीडियो को एक साथ करने मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए और आपको कन्फ्यूजन एक साथ क्लियर हो जाए। तो वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने का मतलब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। टेक्निकल चीज़ें हैं ना, इसको स्किप करने का मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। कोई गाना वाना हो तो अलग बात है, समझ गए। तो दोस्तों ये हाइड्रोलिक कनेक्शन सिंगल हाइड्रोलिक पंप और मोटर के साथ में कैसा लगा। डबल हाइड्रोलिक पंप वाला भी रहता है जिसमें स्टीयरिंग का फंक्शन अलग होता है, तो उसका एक दिन अलग से बात करेंगे। आज सिंगल हाइड्रोलिक पंप के लिए हम लोग ने बात किया। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म कर दे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।